अस्सलाम वालेकुम जी, मैं एहतिशाम शामी और आप देख रहे हैं अकबरी न्यूज़। तो ये आप देख सकते हैं, आपके सामने एक बुज़ुर्ग हैं जिनकी कटिंग की जा रही है। मैं यहाँ पे ख़ुद कटिंग कराने आया था और ये बुज़ुर्ग आए और इन्होंने कहा कि इस शॉप वाले से कहा, बार-बार शॉप वाले से कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर आप मेरी कटिंग कर दें तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा, मैं आपको दुआएँ दूँगा। तो मुझे तो बहुत हैरत हुई, बड़ा दिल दुखा के बुज़ुर्ग हैं, काम भी नहीं कर सकते और इनके पास पैसे भी नहीं होंगे। मैंने इन्हें कहा जी ठीक है, आप बैठ जाए, मैं आपकी जगह पैसे दे दूंगा। पर अल्लाह भला करे शॉप वाले का, ये बहुत ही रहमदिल किस्म के थे, इन्होंने कहा नहीं नहीं मैं आपकी कटिंग वैसे करूंगा अंकल, आप मुझे अपना बेटा समझे, कोई मसला नहीं है, आपके लिए चाय लाऊं, आपके लिए क्या लाऊं। आप बोले आपने खाना खाया हुआ है, कोई चीज़ आपको ज़रूरत है? उनका नहीं नहीं बेटा, बस मेरी कटिंग कर दो। तो आप यकीन माने, मैंने इनके चेहरे पर देखा एक ऐसी खुशी आ गई और इनके मुँह से दुआएं निकलने लगी और लगातार जब तक ये बैठे रहे दुआएं कर 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 के। अब सफ़ेद बाल हैं तो अल्लाह ताला सफ़ेद बालों पे शर्म खाता है। तो क्या ख्याल है कि इस बार्बर वाले की किस तरह किस्मत चमक की है? एक तरफ देखा जाए तो इस बार्बर वाले की ये नेकी इसको दुनिया व आखिरत में फ़ायदा देगी। तो हम तमाम मुसलमानों को और इंसानों को चाहिए कि एक दूसरे की मदद करें, खुसूसी तौर पर ऐसे बुज़ुर्गों की मदद करें। अपने नबी पाक की वाले